दोस्तों, सबसे पहले हमारी वीडियो लाइक करें, शेयर करें और हमारी नई वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 26 नवंबर 2021 के तुला राशि फल के बारे में। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, क्या शुभ योग बनेंगे और उनका प्रभाव आपकी दिनचर्या पर किस तरह से पड़ेगा, साथ ही क्या क्या सावधानी आपको रखनी होगी और किन किन चीज़ों में आज आपको लाभ मिलने वाला है, तो चलिए जानेंगे सभी कुछ विस्तार से। आपका जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, दाम्पत्य जीवन, बिजनेस, व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा, करियर, इन सभी के बारे में हम यहाँ विस्तार से जानेंगे। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हमारा निवेदन रहेगा कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और पास में जो बेल की घंटी का बटन है उसको भी दबा दें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ की सभी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। तो दोस्तों, हमारा ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित होता है, तो आइए जान लेते हैं ग्रह नक्षत्रों के बारे में। 26 नवंबर 2021 को कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है, आश्रलेशा नक्षत्र है, ब्रह्म नाम का योग बन रहा है, शुक्रवार का ये दिन है, चंद्रमा कर्क राशि में है जबकि सूर्य वृश्चिक राशि में विराजमान है। आइए जान लेते हैं आज के राहु काल के समय के बारे में। तो सुबह 10:53 से लेकर 12:14 तक का समय आपके लिए शुभ रहेगा। बात करें अगर अभिजीत मुहूर्त की, तो सुबह 11:53 से लेकर 12:36 तक का समय आपके लिए शुभ रहेगा। आइए इसी के आधार पर हम जानेंगे कि आज का ये दिन आपके लिए क्या कुछ नया लेकर आया है। तो दोस्तों, हम यहाँ बात कर रहे हैं 26 नवंबर 2021 के तुला राशि फल के बारे में। तुला राशि के जातकों के लिए आज का ये दिन क्या कुछ लेकर आया है, तो चलिए जानते हैं सबसे पहले चंद्रमा की स्थिति के बारे में। तो दोस्तों, चंद्रमा आज आपके छठे भाव से निकलकर सप्तम भाव में पहुँच चुके हैं। तो दोस्तों, अब ये जो सप्तम भाव में चंद्रमा की स्थिति होगी कि तुला राशि वाले लोगों के लिए एक अच्छे समय की शुरुआत लेकर आएगी, क्योंकि आपकी जो ऊर्जा का स्तर होगा वो आज बहुत ही बेहतरीन होगा। आप यहाँ खुद को काफ़ी चुस्त दुरुस्त महसूस करेंगे। किसी तरह के मनोरंजन के कार्यक्रम में भी आज आप शामिल होंगे। यहाँ तक कि अगर आप किसी नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो वहाँ से अब आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। करियर के क्षेत्र में भी आपके लिए आज के दिन अनुकूल रहने वाला है। साथ ही आज आपको अपने माता पिता का सहयोग भी प्राप्त होगा। अपने माता पिता के साथ आप घर में अच्छा समय गुजारेंगे और शाम का समय भी आपके लिए काफ़ी अच्छा हंसी खुशी के साथ बीतेगा। इसके अलावा देखिए, आज आपको किसी अपने से कोई बड़ी खुशखबरी भी मिल सकती है और ये आपके दिन को बना देगी। और यदि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आप स्टूडेंट हैं, तो देखिए आज आप लोगों के लिए दिन बहुत शानदार रहेगा। कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा जिससे आपको खुशी मिलेगी, या आपका कोई ज़रूरी काम है जो पेंडिंग पड़ा हुआ था या पूरा नहीं हो पा रहा था, तो वो भी आज बड़ी ही आसानी से पूरा हो जाएगा, जिससे राहत आपको महसूस होगी। आप सुकून की प्राप्ति होगी, आपको मन में शांति रहेगी, साथ ही घर में भी सुख शांति बनी रहेगी। तो दोस्तों, ये समय ऐसा होगा कि आज किसी की तरफ आप थोड़ा आकर्षित भी ज़रूर हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपके रिश्ते में थोड़ी खटास आ सकती है। और देखिए, पति पत्नी के बीच भी यहाँ किसी बात को लेकर थोड़ा झगड़ा भी हो सकता है, इसीलिए जो दंपत्ति है उनको थोड़ा ध्यान रखना होगा। बाकी बच्चों की तरफ से आपके लिए अच्छा समय रहेगा, आपको अपने बच्चों की तरफ से कोई अच्छी खुशखबरी मिलेगी और जो छोटी मोटी उठापटक थी वो दिन के अंत तक लेकर सब सामान्य हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, जो भी छोटी मोटी परेशानियां आती है उनकी तरफ से आपको ज़रूर ध्यान देना होगा। बाकी दिन बेहद शानदार है। साथ ही देखिए, आज आपको इस चीज़ का और ध्यान रखना है कि किसी भी व्यक्ति के साथ अगर आपका रूखा बर्ताव होगा तो वो आपको यहाँ परेशान कर सकता है। जैसे किसी का अनादर करना या किसी को गंभीरता से ना लेना आज आपके रिश्तों में कहीं ना कहीं दरार डाल सकता है। तो इसीलिए इन चीज़ों की तरह आपको ज़रूर ध्यान देना है। बाकी आप किसी ऐसे स्रोत से अच्छा धन अर्जित कर पाएंगे जिसके बारे में आपने पहले कभी नहीं सोचा हो। तो दोस्तों, कुछ ऐसी स्थितियाँ भी यहाँ आपके लिए निर्मित होंगी। साथ ही पारिवारिक सदस्यों को आप बखूबी अपने हक में कर पाएंगे और उनकी कुछ जो शिकायतें होंगी वो भी आपको सुननी पड़ेंगी। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो पारिवारिक स्थितियां जो हैं वो काफ़ी अच्छी बनी रहेंगी। साथ ही कुछ लोगों को व्यापारिक तौर पर बड़ा अच्छा लाभ मिलने वाला है। मन मुताबिक रिजल्ट आपको यहाँ प्राप्त होंगे, क्योंकि आज आपके सितारे बहुत बुलंद हैं और जो शुभ योग बने हुए हैं वो आपकी स्थितियों को कई तरह से संभालने वाले हैं। और क्योंकि चंद्रमा सप्तम भाव में है, जो कि साझेदारी का भाव है, तो दोस्तों यहाँ एक तो आपके सितारे बुलंद हैं जो अचानक से धन लाभ होने के योग आपके लिए बना रहे हैं,
जिसके चलते आज आप अपनी दिनचर्या की अच्छी रूपरेखा बना पाएंगे और इसका जो प्रभाव होगा वो आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनाकर रखेगा। यानी जीवन साथी को अगर आपने कोई गिफ्ट देने का वादा किया है तो आज आप अपने उस वादे को ज़रूर निभाएं, वरना उसकी तरफ से आपको कुछ न कुछ सुननी पड़ सकती है। और यदि इस राशि के जो जातक मॉडलिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो देखिए उनको आज किसी अच्छे ब्रांड के लिए काम करने का ऑफर आ सकता है, तो उनको सचेत रहना है कि किसी भी तरह का अगर ऑफर आता है तो उसको आपको पकड़ लेना है, हाथ से नहीं जाने देना। बाकी आज आपको अपने बच्चों की ज़रूरत की चीज़ों का भी ध्यान रखना होगा, बच्चों पर ध्यान देना होगा, क्योंकि अभी ये समय है जब बच्चे मोबाइल लेकर गेम खेलते हैं या जो भी करते हैं तो इससे उनको परेशानी हो सकती है, इसीलिए उनका ध्यान आपको ज़्यादा रखना होगा। साथ ही देखिए कुछ अनचाही तकलीफ़ों का सामना भी आज आपको करना पड़ सकता है, कुछ विपरीत परिस्थितियां बन सकती हैं, लेकिन देखिए ऐसे में आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आज आपका पूरा परिवार आपके साथ होगा, वो आपके हर मोड़ पर आपको सहयोग देगा। ऐसा भी हो सकता है कि जो आपके शत्रु पक्ष है वो एक्टिव रहें, यानी अपने शत्रुओं से भी आपको सावधानी रखनी होगी, क्योंकि दोस्तों आज आपके शत्रु आगे बढ़ते हुए काम को देखकर आपसे थोड़ी ईर्ष्या रख सकते हैं या आपके कामों को बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं, तो इसीलिए आपको हर चीज़ पर अपनी नज़र रखनी है, अपने कामों को अंजाम देना होगा, अपने शत्रुओं से सावधान रहना होगा, तभी आप इस दिन को आसानी से बिता पाएंगे। साथ ही आज आपको अपने द्वारा बनाई गई योजनाओं के अनुरूप ही कार्य करना होगा और ये भी ध्यान रखना होगा कि आप अपनी किसी भी योजना को किसी भी अनजान या अपने किसी सहकर्मी के सामने उजागर ना करें। जो भी आपने योजना बनाई है उसको केवल अपने बॉस के साथ ही शेयर करें, उनसे ही सलाह मशवरा लें, नहीं तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, वरना आपको अपनी छोटी गलती से परेशानी भी उठानी पड़ सकती है। साथ ही देखिए आज आपकी कोई महत्वपूर्ण वस्तु भी खो सकती है, तो इसीलिए आप दूसरों पर भरोसा करने के बजाय अपनी चीज़ों को खुद ही संभाल कर रखें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और साथ ही अपने व्यक्तिगत जीवन में किसी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप ना होने दें। बाकी बात करें यदि लव लाइफ की, तो देखिए लव लाइफ आज आपकी अच्छी रहेगी, प्रेम जीवन के लिए बहुत अच्छा ये दिन रहेगा। इस दौरान आप दूसरों की बातों में आकर बस आप अपनी लव लाइफ को बिगाड़ें ना, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि तीसरे व्यक्ति की वजह से हमेशा रिश्तों में दरार आती है। तो दोस्तों इस चीज़ को आपको सीरियसली लेना होगा, क्योंकि कई बार बिना मतलब के ही ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो दोस्तों प्रेम संबंध को लेकर जो आपके अंदर डर है, तो आज आपको उसी डर को दूर रहना है और किसी भी तरह के अलग अलग के संबंधों को पनपने नहीं देना है, तभी जाकर आपका जो प्रेम जीवन है या वैवाहिक जीवन है वो अच्छा चल पाएगा, लंबी अवधि पकड़ पाएगा। बाकी आज का दिन आपके लिए धन के मामले में बहुत अच्छा रहने वाला है, ऐसी स्थितियाँ आज बनेंगी जब काफ़ी दिनों बाद आपको बेहद खुशी देखने को मिलेगी कि आपका जो काम है उससे आपको संतुष्टि मिली है या कुछ लाभ पाने की उम्मीदें अच्छी बनती हुई दिखाई देंगी। तो दोस्तों प्रेम जीवन के मामले में तो आज का दिन सबसे बेहतरीन दिन साबित होगा, आपका जो रिश्ता है उसमें बहुत अधिक प्रेम बना रहेगा, विश्वास अटूट होगा। और जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है तो वैवाहिक जीवन के लिए भी बेहद उत्तम दिन रहेगा, जीवन साथी के साथ आप बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी, हालांकि कुछ खर्चे भी होंगे क्योंकि खर्चों का योग बना हुआ है, लेकिन दोस्तों जो खर्चा यहाँ होगा उससे आपको परेशानी नहीं होगी, वो आपकी जेब पर भारी नहीं पड़ेगा, आसानी से आप उसको संभाल पाएंगे। नौकरी में भी आज आप अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे और यदि जो जातक दुकानदारी करते हैं तो दुकानदारी आपकी अच्छी चलेगी, ग्राहकों का अभिषेक आप अच्छे से कर पाएंगे जिससे आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों के लिए ये बहुत अच्छा समय है। और यदि स्वास्थ्य की बात करें तो देखिए स्वास्थ्य का आपको ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधित कुछ छोटी मोटी परेशानी आपको परेशान कर सकती है, और यदि पहले से कुछ स्वास्थ्य में आपकी परेशानी चल रही थी तो तब तो आपको ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। और दोस्तों बाहर के खाने से आपको परहेज करना है और कुछ तली हुई चीज़ें खाने से बचना है, जिससे स्वास्थ्य संबंधित कुछ दिक्कतें आपको हो सकती हैं, इसीलिए अपने स्वास्थ्य का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें। और यदि बात करें इस राशि के विद्यार्थियों की, तो देखिए विद्यार्थियों के लिए भी समय बहुत बलवान है, आज आप जिस भी सब्जेक्ट की पढ़ाई करेंगे, जिस चीज़ में भी मेहनत करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। आज के दिन की अच्छी शुरुआत आपके लिए होगी, आप अपनी पढ़ाई पर अच्छे से फोकस कर पाएंगे। और यदि आप यहाँ किसी प्रतियोगी परीक्षा का हिस्सा बनते हैं तो देखिए उसमें भी आपको मिलने की पूरी संभावना बनेगी, इतना शुभ दिन आपके लिए रहने वाला है। और यदि आज के उपाय की बात करें तो देखिए उपाय के तौर पर जब आप सुबह सुबह उठें तो अपने माता पिता के चरण स्पर्श करके उनका
आशीर्वाद प्राप्त करें या धरती माँ को छूकर प्रणाम करें, और साथ ही आज आप हनुमान भगवान जी को सिंदूर चढ़ाएं, आपके लिए शुभ रहेगा। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही ऐसी और जानकारी पाने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। माता रानी का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी लिखना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।